Hello everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4, subject is SS. We are discussing chapter number 5 and this is my session number 4 for this chapter. So in our earlier sessions, that is session 1, 2 and 3, we had complete discussion regarding this chapter. So is chapter mein humne session 1, 2 aur 3 mein पूरा डिस्कस कर लिया है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है, जिसमें हमने व्हाट इज क्लाइमेट ये सीखा कि क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है, उसे वेदर कहेंगे. देन वी डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट. एक कोई भी प्लेस की क्लाइमेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि हर प्लेस में अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, अलग अलग क्लाइमेट क्यों होते हैं? फर्स्ट रीज़न इज़ द लोकेशन ऑफ द प्लेस. कोई भी प्लेस है, उसका लोकेशन क्या है, वो सी के नज़दीक है, दूर है, ग्राउंड लेवल है या हाइट पर है, ये सारी जो लोकेशंस है वो एक इफेक्ट करती है. डायरेक्शन ऑफ द विंड, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मली जो विंड फ्लो होकर आती है वो किस डायरेक्शन से विंड ब्लो होती है. देन ऑल्सो द रेनफॉल, उस जगह पर रेनफॉल कितना होता है, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है. देन डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी पर है वो प्लेस, उसका भी असर उसके क्लाइमेट पर होता है. देन वी डिस्कस सीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया में कितने सीजन्स हैं? सो थ्री मेन सीजन्स, ऑल टुगेदर 5 सीजन्स है. समर, मॉनसून, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम. तो ये समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स इंडिया में होते हैं, जिसमें समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. अगर थोड़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे या हाइट पर प्लेस लोकेटेड है तो थोड़ा कंपैरेटिवली प्लेन से कूल रहता है. समर सीजन में थंडर स्टॉर्म्स या डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन है. थंडर स्टॉर्म जिसमें बारिश होती है, करेक्ट, लाइटनिंग, थंडर, लाइटनिंग ये साथ के साथ बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो थंडर स्टॉर्म है. देन डस्ट स्टॉर्म का मतलब ये है कि कभी कभी एकदम स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है जो अपने साथ डस्ट को लेकर आती है, तो उसे डस्ट स्टॉर्म कहेंगे. समर सीजन में आफ्टरनून के टाइम में कुछ प्लेसेस जो बहुत ज़्यादा हीटेड है, तो उन जगहों पर लू, दैट इज ड्राई हॉट विंड ब्लोस, ड्राई और हॉट विंड ब्लो होती है जिसको लू कहते हैं. तो लू बहुत डेंजरस है, हमारी हेल्थ के ऊपर भी खराब असर हो सकता है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, वॉमिटिंग ये सब. तो हम लू से बचने के लिए फेस को कवर कर देते हैं कर्चिफ से या किसी मास्क से. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द समर सीजन. समर सीजन में कोस्टल एरिया जो है वो ह्यूमिड रहता है. क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया में जो पानी होता है ओशंस में या सी में, वो सन की हीट से गर्म होके इवोपरेट होता है और उसकी वजह से वहाँ पर जो सी ब्रीज ब्लो होती है वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती है. तो मॉइस्चर है वो है, वाटर कंटेंट इन द एयर इज कॉल्ड मॉइस्चर, करेक्ट. तो उस वजह से कोस्टल एरिया जो है वो ह्यूमिड होता है, बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. मॉनसून सीजन में जो है वो मॉनसून विंड्स ब्लो होकर आती है. मॉनसून विंड्स जो है आर द विंड्स विच हैव मॉइस्चर इन देम. वो मॉनसून विंड्स में मॉइस्चर होता है, भेज होता है, दैट इज़ वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है, करेक्ट. देन मॉनसून में कभी कभी ये होता है कि साइक्लोन्स ब्लो होते हैं जो अपने साथ बारिश भी ले आते हैं, थंडर, लाइटनिंग, एवरीथिंग, एंड इट कॉजेज डैमेज. देन इन सम प्लेसेस फ्लड ऑल्सो ऑकर, फ्लड जैसे सिचुएशन हो जाती है, फ्लड मतलब पूरा जाता है. सम प्लेसेस ड्रॉट आ जाता है, दैट इज सूखा पड़ जाता है. ड्रॉट उन जगहों पर होता है जहाँ पर बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो ड्रॉट सिचुएशन ऑकर होती है.
देन कमिंग टू द विंटर सीजन, विंटर सीजन में नॉर्मली बहुत ठंडी होती है एक्सेप्ट द कोस्टल लाइन्स, कोस्टल लाइन में ठंडी नहीं होती है क्योंकि सी ब्रीज जो है वो उसे प्लेजेंट बना देता है, कोल्ड नहीं होने देता है। डेजर्ट एरिया में क्या होता है, माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इन जगहों पर तो विंटर सीजन में एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। नॉर्दर्न माउंटेन्स में तो स्नोफॉल भी होता है, मगर जो डेजर्ट रीजन है, डेजर्ट रीजन में ये होता है कि डेज आर प्लेजेंट, डेज में इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इतनी ठंडी नहीं होती है, बट नाइट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड। समर सीजन की बारे में अगर हम एक फीचर ये भी है कि डेज आर लॉन्ग नाइट आर शॉर्ट, विंटर में उसका ऑपोजिट है, नाइट्स आर लॉन्ग डेज आर शॉर्ट। नेक्स्ट कमिंग टू द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर विंटर सीजन एंड जस्ट बिफोर समर, विंटर के बाद आता है और समर से पहले आती है, वो सीजन है स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में ट्रीज एंड प्लांट्स बेयर न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स फ्लावर्स ब्लोम, तो ये सारी फीचर्स है स्प्रिंग सीजन के। देन लास्ट वन इज ऑटम, ऑटम कम्स आफ्टर मॉनसून, मॉनसून के बाद आता है बट बिफोर विंटर, विंटर से पहले आता है। तो इसमें भी प्लेजेंट क्लाइमेट होता है, स्प्रिंग में भी प्लेजेंट, कूल एंड प्लेजेंट, ऑटम में भी कूल एंड प्लेजेंट, बट स्प्रिंग सीजन में ट्रीज विल बेयर न्यू लीव्स एंड ऑटम में ट्रीज विल शेड देयर लीव्स, लीव्स गिर जाते हैं। ओके, ये फीचर्स है, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पूरा हमने इस बारे में डिस्कस कर लिया, ये सारी टॉपिक्स कवर कर दी है। टुडेज सेशन आई टोल्ड यू इन माई अर्लियर वीडियो दैट वी विल डिस्कस द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगी। आई होप यू आर हैविंग अ पेंसिल अलॉन्ग विद यू सो दैट एज आई डिस्कस द आंसर्स इन दिस वीडियो यू विल मार्क दोज आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। आप वीडियो में जैसे जैसे मैं आंसर डिस्कस करती जाऊँ, आप पेंसिल लेकर उन आंसर्स को अपनी टेक्स्ट बुक में मार्क कर लोगे। इस वीडियो के साथ मैं जो आपको पीडीएफ भेजूंगी वो सीडब्ल्यू की ही पीडीएफ है जो आपको अपनी सीडब्ल्यू में लिखना है। तो जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगी वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सीडब्ल्यू में भी लिखोगे, टेक्स्ट बुक में है वो पेंसिल से टिक करने हैं सिर्फ आपको। सो शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग, ओके, एक्सरसाइज इज इन पेज नंबर 293, पेज नंबर 293 पर आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर वन, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन वन में मैच द फॉलोइंग है, आई एम रीडिंग कॉलम ए, कॉलम ए ऑप्शन ए समर, बी लू, सी मॉनसून, डी साइक्लोन्स, ई विंटर। नाउ कमिंग टू कॉलम बी, कॉलम बी में क्या है देख लेते हैं। नंबर वन जून टू सितंबर, टू वायलेंट स्टॉर्म्स, थ्री ड्राई हॉट विंड, फोर नवंबर टू फरवरी, फाइव मार्च टू जून। सो शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर्स, अब मैं आंसर्स डिस्कस कर रही हूं, सो प्लीज मार्क द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। कॉलम ए ऑप्शन ए समर, ऑप्शन ए समर है, द आंसर इज कॉलम बी नंबर फाइव मार्च टू जून, मार्च से जून तक समर होता है, डन, सो यू विल मार्क ए विद नंबर फाइव। नेक्स्ट बी लू, लू आंसर इज कॉलम बी ऑप्शन थ्री ड्राई हॉट विंड, ड्राई हॉट विंड, सो मैच बी विथ थ्री। नेक्स्ट कॉलम ए ऑप्शन सी मॉनसून, मॉनसून आंसर इज कॉलम बी नंबर वन जून टू सितंबर, जून टू सितंबर, सो मैच सी विद नंबर वन।
Next, column A, option D, cyclones. Cyclones. Answer is column B, option number 2, violent storms. Violent storms means खतरनाक storm जो होता है. Violent means खतरनाक storm. So you will match D with number 2. Next, column A, option E, winter. Answer is column B, option 4, November to February. So you will match E with number 4. I hope you all have marked the correct answers. Ek bar cross check kar lete hain. A with number 5, B number 3, C number 1, D number 2, E number 4. Clear? So let us move to the next question. Main question 2. Write T for true and F for false. So true statement है, correct statement है, तो उसके आगे T लिखेंगे. गलत statement है, false statement है, तो उसके आगे F लिखेंगे. So shall we start? Okay. A. The location of a place determines its wealth. किसी भी place की location से उसकी wealth, मतलब उसके पास कितना पैसा है, ये हम जान सकते हैं? No. So it is false. Location से climate के बारे में पता चलता है, wealth मतलब पैसे के बारे में नहीं पता चलता है. So it is F. Next, B. Places located near the sea have a cool climate. Sea के पास जो places located है, वहाँ cool climate होता है? Yes. So it is true. Right? T. Next, C. Number C. In India, there are 4 main seasons. India में 4 main seasons है. Is it true? Is it true? No. This is false. तो ये F. क्या लिखोगे? F. Next, D. The days are longer than nights in summer. Summer में days long होते हैं compared to night. Correct है? Yes. So write T. T. Next, E. Spring comes after autumn. Spring autumn के बाद आती है? Spring season? No. Spring comes after winter. So this is false. Right? F. Once again, एक बार answer cross check कर लेते हैं. Option A, it is F. B is T. C, F. D, T. And E, F. Clear? So shall we move to the next question? Main question number 3. Choose the correct answer. तो यहाँ पर कुछ आपको questions या blanks दिए हैं, जिनके answers नीचे 4 options दिए हैं. उन 4 में से कौन सा option correct है, ये आपको select करना है. So shall we start? Okay. A. Dash is the condition of the atmosphere at a certain place and time. एक पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर टाइम के लिए जो एटमोस्फियरिक कंडीशन होती है, उसे क्या कहते हैं? नंबर 1 क्लाइमेट, 2 सीजन, 3 वेदर, 4 नन ऑफ दीज. आंसर इज वेदर, ऑप्शन 3. सो ए नंबर 3. नेक्स्ट बी. Towards the end of summer, the humidity dash. Summer का end होते होते humidity क्या होती है? मतलब water content air में क्या होता है?
फॉल्स मतलब कम हो जाता है, राइजेस मतलब ज्यादा हो जाता है, थर्ड वन इज स्टेज द सेम, सेम ही रहता है, ह्यूमिडिटी कोई डिफरेंस नहीं आता है, या नंबर फोर नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? समर खत्म होते होते ह्यूमिडिटी राइजेस बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है तो ह्यूमिडिटी राइजेस। सो बी आंसर इज ऑप्शन टू। नेक्स्ट सी, विच सीजन डज एग्रीकल्चर ग्रेटली डिपेंड ऑन? एग्रीकल्चर कौन से सीजन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेड है? नंबर वन समर, टू विंटर, थ्री ऑटम, फोर मॉनसून। यस आंसर इज नंबर फोर मॉनसून, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी जरूरी है। पानी कब मिलता है? मॉनसून सीजन में। इस वजह से एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून सीजन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट डी, विंटर हैज शॉर्टर डेज। विंटर में क्या शॉर्ट होता है? वन मॉर्निंग, टू डेज, थ्री नाइट्स, फोर इवनिंग्स। तो क्या शॉर्ट होता है विंटर में? आंसर इज नंबर टू डेज, डेज शॉर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ई, विच सीजन इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड? बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ऐसी सीजन कौन सी है? ऐसी दो सीजन्स के बारे में हमने बात की थी, बट यहां ऑप्शंस में आपको देखना है कि कौन से ऑप्शंस है। विंटर नो, बहुत ठंडी होती है। समर नो, बहुत गर्मी होती है। थर्ड वन स्प्रिंग है, फोर्थ वन मॉनसून है। तो मॉनसून में तो बट ऑब्वियस है कि बारिश होती है, तो बाकी कौन सा ऑप्शन बचा? स्प्रिंग। तो स्प्रिंग सीजन इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। क्लियर? वंस अगेन सारे आंसर्स मैं आपको बोल रही हूँ, आप चेक कीजिए। ए नंबर थ्री, बी नंबर टू, सी नंबर फोर, डी नंबर टू, ई नंबर थ्री। ओके नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द करेक्ट वर्ड्स। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके आंसर्स आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, मगर उन आंसर्स के जो अल्फाबेट्स हैं उन्हें जंबल फॉर्म में दिया है, जिसको आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है ताकि आंसर आपको मिल जाए। सो शैल वी स्टार्ट? ओके। ए, अ हॉट सीजन, गर्मी वाली सीजन। कौन सी है गर्मी वाली सीजन? यस आंसर इज समर, समर। नेक्स्ट बी, द रेनी सीजन, रेनी सीजन को क्या कहते हैं? आंसर इज मॉनसून, मॉनसून। नेक्स्ट सी, द कोल्ड सीजन, ठंडी सीजन कौन सी है? आंसर इज विंटर, विंटर। नेक्स्ट डी, द सीजन ऑफ न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स, नए लीव्स और फ्लावर्स ग्रो होने की सीजन कौन सी है? आंसर इज स्प्रिंग, स्प्रिंग। नेक्स्ट ई, द सीजन जस्ट बिफोर विंटर, विंटर के पहले जो सीजन आती है उसे क्या कहते हैं? आंसर इज ऑटम, ऑटम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द आंसर्स, प्लीज एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। ए समर, बी मॉनसून, सी विंटर, डी स्प्रिंग, ई ऑटम। करेक्ट? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मेन क्वेश्चन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग।
आंसर द फॉलोइंग है, उसके आंसर्स आपको बुक में नहीं लिखने हैं। यहाँ मैं वीडियो में सिर्फ उन आंसर्स को डिस्कस करूँगी जो आपको पीडीएफ के थ्रू आंसर्स मिल जाएंगे। इन आंसर्स को आप अपनी सीडब्ल्यू में कॉपी करके लिख लोगे विद गुड हैंडराइटिंग एंड नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग? ओके, क्वेश्चन ए, व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं? आंसर इज द फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर टेम्परेचर, रेनफॉल एंड डिरेक्शन ऑफ विंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, हाउ डज क्लाइमेट अफेक्ट अवर लाइव्स? कोई भी क्लाइमेट हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है? आंसर इज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस हैज एन इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, पीपल की लाइफ के ऊपर इफेक्ट करता है। द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वेयर, कैसे कपड़े पहनते हैं उस पर भी इफेक्ट करता है। द काइंड ऑफ फूड दे ईट, किस टाइप का खाना खाते उस पर भी इफेक्ट करता है। एंड द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन देयर, और उस पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के क्रॉप ग्रो होंगे इसके ऊपर भी क्लाइमेट अपना इफेक्ट दिखाता है। क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इम्पोर्टेंट सीजन्स इन इंडिया। इंडिया के इम्पोर्टेंट सीजन्स के नाम लिखने हैं। आंसर द इम्पोर्टेंट सीजन इन इंडिया आर समर, मॉनसून एंड विंटर। ये तीन मेन सीजन है, समर, मॉनसून, विंटर। स्प्रिंग और ऑटम जैसे मैंने बोला वो इंडिया में हर जगह एक्सपीरियंस नहीं होता है, सो उन दो सीजन्स का नेम हमने यहाँ मेंशन नहीं किया। नेक्स्ट डी, क्वेश्चन डी, डिस्क्राइब द समर सीजन। अब आपको समर सीजन के बारे में यहाँ लिखना है। आंसर इज द समर सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल द मिडल ऑफ जून। सो मार्च से स्टार्ट होके जून मिड तक रहता है। द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर एंड इट गेट्स वेरी हॉट। धीरे धीरे टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है और गर्मी बढ़ने लगती है। मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर। पूरे साल में सबसे गर्मी वाले महीने हैं मे और जून। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इंडिया रिसीव रेनफॉल? इंडिया में रेनफॉल कैसे आती है? इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स विच ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में से फ्लो होकर आती है उसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट विल हैपन टू द फार्मर्स इन इंडिया इफ द मॉनसून्स डू नॉट ब्रिंग इनफ रेन? इंडिया में जो फार्मर्स है जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उनका क्या होगा अगर इंडिया में बारिश इनफ नहीं होगी, तो कम बारिश होगी तो क्या होगा? आंसर इज इफ द मॉनसून डू नॉट ब्रिंग इनफ रेन, अगर रेनी सीजन में इनफ रेन नहीं होगी, क्रॉप्स विल सफर एंड द फार्मर्स विल एक्सपीरियंस ह्यूज लॉस। तो उससे क्रॉप्स जो है उनकी क्वालिटी भी डाउन होगी, क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेट लॉस किसका होगा? फार्मर्स का होगा, क्योंकि वो क्रॉप्स अगर अच्छे ग्रो नहीं होंगे तो उसके लिए उसको जब वो बेचने जाएंगे तो उसके अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर कम क्रॉप्स ग्रो होते हैं तो भी फार्मर को तो कम ही पैसे मिलेंगे, तो इस वजह से लॉस किसका होगा? फार्मर का होगा। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। आई एम सेंडिंग अ पीडीएफ विच इज सीडब्ल्यू वर्क,
So you will have to do this work in your CW books with good handwriting. Once again I am repeating, अच्छे handwriting करोगे, spelling mistake नहीं करोगे और अपनी CW time to time complete कर लोगे. So hope you are clear with this chapter. इस chapter में अब आपको कोई doubts नहीं होंगे. Okay? So bye.